तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो हम लोगों ने स्टोरी बनाई है, ये गांव की पंचायत के ऊपर से बनाई गई है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, और एक एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो हमने ब्लड दिखाया है, ठीक है, ये ड्रामा के हिसाब से हमने मेकअप किया है। तो यूट्यूब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इस वीडियो को डिलीट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमने ड्रामे के हिसाब से इस पर मेकअप किया, जो ब्लड दिखाया गया इसमें जो हमने ड्रामे के हिसाब से किया है, ठीक है। और यार वीडियो ना एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। मैं दूलूंगी, पहला माया आया मैं देखा, पहला माया आया मैं। छोटे छोटे और बड़े बड़े से बदतमीजी करते हैं, जाओ निकल लो बेटे, कुछ नहीं करना है। घूम बराबर घूम कर, घूम बराबर घूम, झूम बराबर झूम शराब, झूम बराबर झूम। ए निहाल के ट्रक में, पंकज की बेटी, पंकज के ट्रक में निहाल की बेटी। बहुत हो रहा तेरा, अरे जब ये हिंट दिया मेरे को, बहुत हो गया तेरी ऐसी की कैसी, रुक साले। क्या हो गया? अबे खून निकल रहा, किसने मारा, किसके लड़ कर रहे? पांक जा रहे, इनके घर वालों को बुला कर लाना। देख ले पटी तोरा टूरा किनको कारनामो, मुरो नाती का पूरा खोपड़ा फोड़ दाखनो, बकरा घाटिया हो पूरा गांव तोरा बेटा किनका चर्चा सेती। आज मुरो नाती को मस्तक फोड़ी से कान बकरा नाती मर्डर करे थी, मर्डर देखा बड़ो फालतू की बात आनो का कारस जैसा भी सेटिन मोरा बेटा से काम का सेटिन मेरे अशोका जा रे घर जा चलो बेटा बड़ो अपना बेटा की तरफदारी कर रही से आसो से तो रखने अपना बेटा किला पर बस मर रही मोरा बेटा मोरा बसमा से काय का बसमा से तिरे मोरा नाती का समझाए तोरा बेटी ला काय ला खेला से अरे तो को मटन लाई बिना मोरा नाती ला पाली से अरे ऐसा चिल्ला रे अरे लौंडाई कर लाई पाली से बड़ो आई से बड़ो पटेल बनी से सांगरे से जैसा मीना धारी हो तो लड़न लाई आओ तो छोड़ दे ना गाँव में पूरा खुला ज्यादा छोड़ दे तोरा नाती ला संभाल पहले डरे उतारे बकरा तो देसु ने तो इतना गोली खेला लाई बड़ा तनामदारी कर रही थे यहाँ पे बेटा की दादा नौका बोला गो कल कर ले जो
रुक जा बेटा, तो काज चार गांव की पंचायत में जोड़ियो तो मोरो भी नाम पोतन सिंह नहीं बना। पंचायत बैठा लेना, जो करना कर लेना ना। आओ बेटा रुक जा, बता चोरी की चोरी ना, ऊपर की सीना चोरी कर रही सर, ज्यादा ही बोल रहे सर, तोला बोला रे से सांग दे वाला भी सांग दे, शर्म नहीं आवा तोरो नाकला आए बेटा बोल रही से तू बेटा इनके बड़ाई कर रही से बेटा इनकी गलती ना ऊपर लगना चोरी कर रही से चार गांव की पंचायत में जोड़ियो तो कह दे जो। अरे हटाओ ना पटेल साहब, यार मैंने आज तक ऐसा जिंदगी में किसी का सुना नहीं, वो तो बुढ़ा कह के लिहाज कर लिया उसका। संभाल लेना ये थोड़ा, आप अपन किसी के सुने नहीं यार आज तक, तो थोड़ा है ना, थोड़ा अपने तरफ से बोल लेना ठीक है। मेरे सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आज की ये पंचायत इसलिए बैठा ली गई है, कल की लड़ाई में हमारे गांव के लेखराम पटेल जिनके दो लड़कों ने पोतन सिंह के नाती के साथ खेल कूद में मारपीट की, जिसमें पोतन सिंह के नाती को गंभीर चोटें आई, जिससे उनका सर बहुत जख्मी हो गया। इसलिए पोतन सिंह का कहना है कि उनके नाती का इलाज का खर्चा लेखराम पटेल देंगे। तो लेखराम जी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो सरपंच साहब, नाना बच्ची इनको झगड़ा भयो आता ओको माँ मारा पीटी भय गई तो मी का करूँ, मी एक फूटी कौड़ी देने वालो नहा। अच्छा तो झगड़ा भयो तो मी का करूँ, तो काली अपना बेटा गिल्ला बसमा नहीं राखस रे, खर्चा था बेटा तोरो बापला भी देखो बड़ो, मोरो बापला बीच में नको आना सु नहीं आनु रे, देखो बड़ो ठीक नहीं बनन की का, ठीक ना बनन की रे आय ठीक ना बनन की, समझा दो बेटा उखाड़ पछाड़ का डाकू बेटो, बता रही से बोला शांत हो जाओ आप दोनों, पंचायत है या निर्णय करने के लिए, जो भी फैसला होगा न्याय के हित में होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कल ये झगड़ा देखा हो? काल का हाँ यो भाव हो तो उसका नहीं गा, हाँ भाव मैं हाँ का कल तुम झगड़े में थे? हाँ मैं था, पर मैं झगड़े के बाद आया था। अच्छा ये तो मना कर रहा है, लेट आया था बोल रहा है, झूठ बोल रही थे यो, जरूर एक महीना पटिल की कारस्था नहीं रहे। अरे सरपंच साहब लेट आया था तो लेट आया था, वो ना टाइम पर तू ना होता उसका रे। अरे सरपंच साहब जी लेट आया था तो लेट आया था, मैं था वहाँ पे। अच्छा क्यों बाबा जी, कोई और व्यक्ति था उस घटना के समय वहाँ पर? टाइम पर सरपंच साहब एक मिनट एक्सक्यूज मी साहब, इस घटना का जन्मदिन गवाह मैं हूँ। क्यों कल ये था? कल जी हाँ मैं था, इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। अबे ये कहाँ से आ गया बे? अरे 10-20 दिन आ गए पटेल। क्यों कल के झगड़े में तुम थे क्या? जी मैं था। क्या हुआ बिल्कुल था? था क्या हुआ था कल? प्रेस मुंड में था। क्या देखा तुमने? लेकिन मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्या देखा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और ये भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इस काम के पटेल साहब ने पैसे दिए, और ये भी नहीं बताऊंगा पटेल साहब ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है। सही बोल रही से यो,
सही बोल रही से मैं कह रहे हो तो ना सरपंच साहब कि एक महीना पटेल की गलती से जरूर एना कई कारस्तानी करी होती अतः तब पोल खुल गई ना सरपंच साहब आता एक ही काली करतूस आई तुम्हारे सामने से आता था तुम ही न्याय कर दे लेखराम पटेल मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे लेखराम पटेल तू है तुम्हारी पटेली पे मैंने सोचा भी नहीं था कभी तुम ऐसी गिरी हुई हरकतें करोगे सभी चीजों को गौर करने के बाद पंचायत फैसला लेती है कि बाबा जी के नाती का खर्च लेखराम पटेल देंगे और पंचायत लेखराम पटेल को हिदायत देती है कि दोबारा आगे से किसी गिरी हुई हरकतें ना करें यू आर राइट सरपंच साहब आज की पंचायत यही समाप्त होती है कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई नहीं तो आगे ना एकदम शेयर करो तो फैला दो पूरा ठीक है तो दोस्तों अगर से आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है तो फटाफट उस ऑप्शन में जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए थैंक यू।